हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तृप्ता और मुझे घूमना और खाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी घूमना और खाना पसंद है तो चलो मेरे साथ इस वीडियो में। आज हम जाएंगे एक नई जगह। शाम के बज रहे हैं 5:30, चाय पीने का बहुत मन है, तो लेट्स गो टू अ चाय प्लेस टुडे। जूम, ये बड़ी मेरी एक्टिवा तेजी से आगे। चलिए चलते हैं चाय पॉइंट। चाय पॉइंट है SS प्लाजा में, जो कि सेक्टर 47 में है, सोना रोड के पास इन गुड़गांव। गाइस, ये हम पहुंच गए SS प्लाजा। आप देख रहे हो बिल्डिंग, थोड़ा आपको पीछे से दिखाती हूँ ताकि वाइडर व्यू आए। देखो, यहाँ पर मैडम गस्तो किचन एंड बार है, HDFC बैंक है, येस बैंक है, मॉडर्न बाजार है, नो ऑरेंज है, एंड दिस इज़ दी अदर साइड व्यू। सामने होटल है, आई गेस हयात कुछ तो है। ये रही मेरी एक्टिवा पार्क। ओके, नाउ दिस इज द प्लेस जहाँ आज हम जाने वाले हैं, चाय पॉइंट। चलिए दोस्तों, अब अंदर चलते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पे है, मुझे पहले लगा था ये फर्स्ट फ्लोर पर है, पर ये ग्राउंड फ्लोर पर है। ओपन 24/7 लिखा है यहाँ पर। आई डोंट थिंक अभी कोविड के टाइम पे 24/7 ओपन होगा। लेट्स गेट इन। यहाँ देखो, इन्होंने खाने की चीज़ें सजा रखी हैं फ्रिज में। मेरा मन कर रहा है मैं सब कुछ खा लूँ, क्योंकि शाम के टाइम चाय के साथ बनता है खाना, है ना। सी दिस वन लुक्स सो गुड। मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे ध्यान आया कि स्टार्टिंग में ये कुछ सुंदर चीज़ें रखी हुई थी इन्होंने। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, है ना। ये क्या है, इसमें चाय डाल के पी सकते हैं। ये चाय पॉइंट के जो ग्लासेस थे, मतलब ये बहुत सुंदर है यार, है ना। ग्लास में चाय पीने का अपना ही मज़ा है। अगर आप लोगों को भी ग्लास में चाय पीना पसंद है तो मुझे बताना। हाँ, छोटा सा ठेला भी रखा हुआ है। सी दीज ब्यूटीफुल ग्लासेस, है ना। मुझे इतने पसंद आए कि इनके आगे मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, एक्सक्लूडिंग दीज प्लांट्स। हाँ, ये बाहर का व्यू है देखो, है ना। और ऑफ कोर्स खाने की चीज़ें। आप लोग बताओ, आप लोगों को कौन सी चाय सबसे अच्छी लगती है। मैं तो मोस्टली यहाँ पे आके जिंजर टी लेती हूँ, मुझे वो बेस्ट लगती है जिंजर टी। यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो और फिर यहाँ पे कलेक्ट करने का भी इन्होंने बना रखा है स्टोर, ठीक है। ये रहा नीचे का हो गया, चलो अब ऊपर का पोर्शन देखते हैं। ये री स्टेयर्स, इनसे मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। अब इनसे ऊपर चढ़ के हम देखेंगे कि यहाँ ऊपर जो बैठने की इन्होंने जगह बनाई है वो कैसे दिखती है। ये देखो, नीचे तो आपने जैसे देखा यहाँ पे सीट्स कम है मेरे ख्याल से, और थोड़ा सा फिट लगता है क्योंकि साथ में ऑब्वियसली काउंटर एंड ऑल। ये ऊपर का एरिया है देखो, है ना, अच्छी खुली सीट्स हैं, आराम से बैठ सकते हो। मतलब मैंने अराउंड 2 आवर्स स्पेंड किए होंगे यहाँ पे, और बहुत कंफर्टेबल सीटिंग है, कोई फालतू शोर नहीं है, कुछ नहीं है। आराम से अपनी चाय लो, खाने की चीज़ें लो, आराम से बैठो, आराम से चाय के मज़े लो, है ना। चाय का मज़ा तो तभी है। और ये सामने का व्यू है ऊपर से, थोड़ा ध्यान से ज़्यादा नीचे झुक के नहीं देखना। तो ये देखो, है ना, अच्छा लग रहा है ना। एंड दीज लाइट्स तो अच्छा है, व्यू भी अच्छा है, और मुझे लगता है यहाँ बैठ के मतलब बड़ा ही कंफर्टेबल और अच्छा सा वाइब आ रहा था। ये फ़ोटोज़ हैं देखो, इसमें कोई चाय की पत्ती बनी है, कोई चाय की पत्ती तोड़ रहा है इसमें, है ना। ये सब फ़ोटोज़ हैं जो साइड्स पे, दोनों साइड्स पे लगी हैं, दूसरी साइड पे भी लगी है। ये दूसरी साइड पे मैं बैठी थी, वहाँ पे भी लगी हैं, ये देखो, है ना। अब मुझे लग रहा है कि वीडियो मैंने थोड़ी बना ली है आपको दिखाने के लिए, व्यू आपने देख लिया है। अब चाय ऑर्डर कर ली जाए और उसके साथ कुछ और वो खा लेते हैं, और खाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसा यू नो टेस्ट कर रहा है सब खाना। ये आ गया सैंडविच, देखो सैंडविच अच्छा है। थोड़ी केचप, अच्छे से डाल ली मैंने। यूजुअली मैं ऐसे केचप डाल के नहीं खाती हूँ, पर मुझे लगा थोड़ा ऐसे अच्छा लगेगा देखने में। तो मैंने ऐसे डाल लिए, अब मैं इसे खा लूँगी। 2-3 चीज़ें और भी ली है मैंने। ये देखो, ये है बनाना केक, देखकर तो बड़ा यम्मी लग रहा है। साथ में ये है ड्राई फ्रूट्स उपमा,
ये वेजिटेबल्स तो बहुत सारी दिख रही हैं, अभी इसमें ड्राई फ्रूट दिख नहीं रहा है फिलहाल। ये रही मेरी जिंजर टी कुल्हड़ में, कुल्हड़ में सबसे अच्छी लगती है मुझे। बाकी और इनका तो जो मग कप जो होता है चाय का, वो भी बड़ा फैंसी सा होता है, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ये है ड्राई फ्रूट उपमा, और इसमें ऊपर से तो कोई ड्राई फ्रूट दिख नहीं रहा है यार, ये बनाना केक है। तो फिर हो जाए, खाते हैं, और खाते टाइम ज़्यादा बात नहीं करते हैं ना। तो पहले मैं खाती हूँ फटाफट से, और फिर आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ कैसे टेस्ट कर रही थी। ठीक है, आप भी खाओ। ये ख़त्म हो चुका है उपमा, इसमें किशमिश थे ढेर सारे और थोड़े से काजू। ठीक है, चाय बहुत टेस्टी हो रही थी, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी वीडियो बनाने के चक्कर में, पर चाय टेस्टी बहुत हो रही थी। साथ में मैंने बनाना केक भी ख़त्म कर दिया है, और बनाना केक में फुल बनाना फ्लेवर था, वो भी बहुत टेस्टी था, मज़े ही आ गए। खाना खा के भी और चाय पी के भी सब कुछ बहुत यम था। आप बताओ आपकी फेवरेट चाय कौन सी है? मेरी फेवरेट है जिंजर टी, ऑल टाइम फेवरेट। टेबल पे बैठकर इसको स्कैन करो, और आप अपने फ़ोन से भी ऑर्डर कर सकते हो उससे। और अभी शाम हो चुकी है, खाना पीना हो चुका है, और मुझे एक दो घंटे भी बहुत आराम से हो चुके हैं यहाँ बैठे बैठे। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। शाम का व्यू देखो आप, शाम को अब मौसम भी ठंडा हो चुका है तो मज़ा आ रहा है। अब मुझे चलना चाहिए घर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर से आऊँगी नई वीडियो लेकर, नई तरह के खाने के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।